स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोनेटाइजेशन के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने Android मोबाइल से। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर लेना है, और जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में YouTube पर क्लिक कर देना है, या फिर आपको YouTube सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी Gmail ID लॉगिन कर लेनी है, जिससे आप मोनेटाइजेशन इनेबल करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप नीचे करके आएंगे यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट पर चले जाना है। तो यहाँ पर हमारा चैनल जो है डेस्कटॉप साइट पर आ चुका है। उसके बाद आपको ऊपर अपने आइकन पर क्लिक करना है यहाँ पर, और उसके बाद आपको YouTube स्टूडियो दिखाई दे रहा है, आपको इस पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने YouTube स्टूडियो पर। दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको साइड में ऊपर करते हुए जाना है। यहाँ पर आपको डॉलर वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, मोनेटाइजेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आ चुके हैं हम अपने मोनेटाइजेशन पर, और यहाँ पर आप ऊपर करेंगे हल्का सा, आप देख सकते हैं ग्रो विथ यूट्यूब। दोस्तों जब आपके यूट्यूब चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक ग्रीन टिक यहाँ पर आपको जब दिखाई दे जाएगा, तब आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ। आपको यहाँ पर इस अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेप आ चुके हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। आपको यहाँ पर जब ये 3 स्टेप क्लियर कर देते हैं, जब आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है, तो पहला रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक एग्रीमेंट आ चुका है, आप इसे चाहो तो पढ़ भी सकते हो या फिर आप छोड़ भी सकते हो, आपको नीचे करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर दूसरे नंबर का बटन तो इनेबल है, आपको पहले बार पर टिक कर देना है यहां पर, और आपको एक्सेप्ट टर्म्स पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमारा चैनल रिफ्रेशिंग ले रहा है, और यहाँ पर आपको नोट स्टार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको डन दिखाई दे जाएगा। हल्का सा टाइम लेगा, ये 1 मिनट तक ले सकता है। तो यहाँ पर ये रिफ्रेशिंग ले रहा है, आपके सामने देख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं डन यहाँ पर लिखा आ चुका है, यानी कि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नीचे करना है, यहाँ पर आपको दूसरे स्टेप पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, यानी आपको यहाँ पर एडसेंस अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया, और आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है इस वाला आइकन पर, और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर अगर आपने पहले ही कोई अकाउंट बना रखा है तो आपको यस पे क्लिक करना है, वरना आपको नो पर क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम बिल्कुल नया गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने वाले हैं। यहाँ पर आपको अपना जीमेल सिलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको अपना एडसन अकाउंट बनाना है। यहाँ पर मैं अपना जीमेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आ चुके हैं हम एडसेंस के पेज पर। यहाँ पर ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, और यहाँ आ चुका है कुछ इस तरह का इंटरफेस। आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आ चुका है, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आपका URL जो होगा वो आपका शो हो जाएगा, जिस चैनल से आप मोनेटाइजेशन इनेबल करने वाले हैं। और यहाँ पर आ चुका है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, आपको यहाँ पर ये फॉर्म फिल करना होगा। तो आपको यहाँ पर इस पे यस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ दोस्तों मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी कोई सी भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ मैं आपको इंडिया सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ।
उसके बाद आपको ऊपर करना है। यहाँ पर आपके सामने एक और एग्रीमेंट आ चुका है, आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो वरना छोड़ सकते हो। और यहाँ पर आपको ऊपर करते जाना है और यहाँ पर आपको यस आई हैव रीड द एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चैनल आ चुका है। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है या फिर आप इस एरो पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको इस पे भी क्लिक कर सकते हैं चाहे आप गेट स्टार्टेड पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं अकाउंट टाइप, आपको यहाँ पर दोस्तों पेमेंट एड्रेस के नीचे यहाँ पर आपको फिल्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट टाइप, आपको यहाँ पर इंडिविजुअल भी सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई कंपनी के नाम से चैनल बना रखा है तो आपको कंपनी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेम और एड्रेस, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। आप यहाँ पर मेरे चैनल का नाम आ चुका है तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने अपना नाम डाल लिया अमित। यहाँ नाम डालने के बाद आपको ऊपर से मैं शुरू से दिखा देता हूँ, यहाँ आपको आपको अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल भी रहने देना है। और यहाँ पर आपको नेम एंड एड्रेस में अपना नाम डालना है। एड्रेस लाइन वन में आपको अपना एड्रेस डाल देना है। अगर आपका एड्रेस थोड़ा बड़ा है तो आप एड्रेस लाइन टू में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको अपना एड्रेस डाल कर दिखा देता हूँ। और दोस्तों अपना एड्रेस डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको अपना एड्रेस डाल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मैंने अपना एड्रेस दोस्तों थोड़ा सा हाइड कर दिया है। यहाँ मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है। और दोस्तों बचाओ एड्रेस आपको एड्रेस लाइन टू के अंदर डाल देना है। इतना करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पर ऊपर करना है। यहाँ पर आपको सिटी के अंदर अपने ज़िले का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे पोस्ट कोड डाल देना है। ये पोस्टल कोड आपको अपने आधार कार्ड के अंदर मिल जाएगा, जिसे एरिया का कोड भी कहा जाता है। यहाँ पर इतना डालने के बाद आपको ऊपर करना है। यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैं स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। यहाँ मैंने अपना उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। तो यहाँ मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। और दोस्तों आप अपने एड्रेस के अंदर भी अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना। नीचे आप अपना फॉर्म अच्छी तरह से चेक कर लेना। यहाँ पर अपना अकाउंट में आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर अपना एड्रेस और यहाँ पर अपना यहाँ पर आपको ज़िला सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पोस्टल कोड और यहाँ पर अपना राज्य आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपके सामने ये रिडायरेक्ट चलता रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आप इस पे रिडायरेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, वरना आप 2 मिनट वेट भी कर सकते हैं। आपके अपना आप ऑटोमेटिक ये वाइट स्टूडियो में पहुंच जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाइट स्टूडियो में पहुंच चुका है। यहाँ पर ये इसी तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। आप गेट द ऐप या फिर आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने मोनेटाइजेशन का पेज आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एडसेंस अकाउंट जो है रिफ्रेशिंग ले रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्रेशिंग लेते आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पर रिफ्रेशिंग ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। आप देख सकते हैं स्टेप टू, यहाँ पर स्टेप टू जो है इन प्रोग्रेस में चला गया, यानी कि हमारा जो काम था वो हमारी तरफ से पूरा हो गया। अब यूट्यूब वाले आपका अकाउंट बना देंगे और आपको यहाँ पर डन दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ घंटे का टाइम लग सकता है, 12 घंटे 24 घंटे या फिर 48 घंटे भी लग जाता है। दोस्तों जो हमारा एडसेंस अकाउंट था वो 24 घंटे के अंदर बन गया था 11:10 पर। अगले दिन हमारा बन चुका है, तो मैं आपको एडसेंस अकाउंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको यूट्यूब पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मेरा तो 24 घंटे में बन गया था, आपका पहले या बाद में भी बन सकता है। आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट पर चले आना है। दोस्तों किसी का जल्दी भी बन जाता है और किसी का लेट भी बन जाता है, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर आपका एडसेंस अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको YouTube स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने YouTube स्टूडियो पर। यहाँ पर आपको साइड में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऊपर करना है, यहाँ पर जैसे आपने पहले करा था। आपको मोनेटाइजेशन यानी डॉलर वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने पेज रिफ्रेश होकर आ रहा है और आप देख सकते हैं स्टेप टू भी यहाँ पर डन हो चुका है। यहाँ पर स्टेप वन स्टेप टू यानी कि आपका सफलतापूर्वक दोनों स्टेप पूरे हो चुके हैं। स्टेप थ्री में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपका ऑटोमेटिक इन प्रोग्रेस में चला जाता है। यहाँ पर आपका चैनल गेट रिव्यू अंडर रिव्यू में चला जाता है। YouTube वाले आपका चैनल चेक करते हैं और उसके बाद आपके चैनल में अगर उन्हें सब कुछ ठीक नज़र आता है तो वो आपका मोनेटाइजेशन इनेबल कर देते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया 1 महीने के अंदर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। किसी का दोस्तों 24 घंटे 48 घंटे या फिर 10 दिन या फिर 15 दिन में भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल बारीकी से समझ में आ गई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमसे पर्सनली बात करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं।